Yes, good afternoon, all of you. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 7, chapter number 1, Hindi. Itne unche utho. इस चैप्टर में जो कवि हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमको समाज से उनकी जो समाज की जो जाति भेद है, हमारे अंदर जो ऊंच नीच की जो भाव हैं, हमें इन सब से बहुत ऊंचे उठना है. हमें एक अच्छे इंसान बनना है. हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हम अपने पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और ऊंचाई ऊंचा सोचें और हम एक अच्छे इंसान बन जाएं. यहाँ पर कवि ऐसा कहते हैं. कवि किस तरह से बताते हैं देखिए. हाँ, कवि कहते हैं, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है. देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धन समता की भाव दृष्टि से. जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल रहो कि जितना मलय पवन है. यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे विद्यार्थियों, तुम्हें जीवन में बहुत बहुत कुछ करना है. तुम्हें अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठना है. तुम्हें यहाँ पर नहीं रुक जाना है. इतना ऊंचा उठना है जितना ऊंचा गगन है. और गगन तो असीमित है, तो हमें असीमित ऊंचाइयों पर पहुंचना है. हमें जीवन में असीमित सफलताएं प्राप्त करना है. और कवि क्या कहते हैं, देखो इस सारी दुनिया को, तुम इस पूरी दुनिया को एक एक ही तरह, एक दृष्टि से, एक ही दृष्टि से देखो कि सभी इंसान है, सभी बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है. सिंचित करो धन समता की भाव दृष्टि से. तुम्हारे अंदर एक ही भाव हो, इंसानियत का भाव अपने अंदर जागृत करो और सभी व्यक्तियों को समान समझो. सिंचित करो धन, और सभी को तुम दान भी, दान करने की यहाँ पर भी प्रवृत्ति यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि तुम लोगों को सिंचित करो धन. धन को आप उसको प्रदान कर दो, उसको दे दो. और कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की. कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे ईश्वर या हे मनुष्यों, तुमको जाति के भेदभाव से ऊपर उठना है. तुम्हें धर्म और वेशभूषा की इन भावनाओं से ऊपर उठना है. तुम्हें काले और गोरे रंग से ऊपर उठना है. तुम्हें रंग द्वेष की भावना से ऊपर उठकर सोचना है. तुम्हें एक सच्चा इंसान बनना है ताकि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सको. ज्वालाओं से जलते जग में. यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो संसार है, इसमें बहुत सारे लोग लड़ भिड़ रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही है, बहुत सारी जगह द्वेष है, बहुत सारी जगह लूटपाट, चोरियां वगैरह हो रही हैं. ये जग जो है, इसमें बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं. तो ज्वालाओं से जग, पूरा संसार जो है, जग मतलब संसार, पूरा जो संसार है ये जल रहा है, ये बहुत दुखी है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लेश है. इन सबको तुमको शांत करना है. और इस तरह से शांत करना है, इतने शीतल वहो. तुमको हे बच्चों या हे मनुष्यों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, तुमको इतना शीतल बन जाना है कि जितना मलयागिरी जो पर्वत है उसकी शीतल पवन बहकर आती है और वो हमको बहुत ठंडी और सुखदायी लगती है, उतने ही ठंडे और सुखदायी आपको अपने जीवन में बन जाना है. हाँ, देखिए हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हम धर्म संस्कृतियों से सबसे ऊपर उठकर हम बात कर रहे हैं एक मानवता के धर्म की. इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है. सभी इंसान हैं और सभी एक दूसरे का ख्याल करने वाले यहाँ पर हैं. और कवि यही चाहता है कि सभी में संभाव की भावना पैदा हो जाए, सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे. हमें कितने ऊंचे उठना है, हमारे विचारों में उन्नति होना चाहिए. हमारे विचारों में जो है वो हमारे विचार ऊंचे होना चाहिए, और ताकि हमारा जो चरित्र है वो भी बहुत ऊंचा बन जाए. अब यहाँ पे और कविता क्या कहती है, नए हाथ से
वर्तमान का रूप समारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन अक्षर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे नए नए हाव हैं, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, हे बच्चों इस अपने वर्तमान को तुम संवार दो, तुम यहाँ पर इन सब चीजों को संवार दो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, तुम अपने तुम्हारे अंदर तुमको रंग भरना है, जीवन में कई सारे काम करना है तुम्हें, तो तुम्हें नए नए काम करने के लिए प्रयत्न करो, और नए राग को नूतन अक्षर, तुम नए नई चीजों को यहाँ पर प्रस्फुटित करो, उनको जागृत करो, नई चीजों को तुम लेकर आओ, भाषा को नूतन अक्षर, तुम्हारी जो भाषा है उसमें सृजन होना चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी भाषा होना चाहिए, युग की नई मूर्ति रचना में तुम्हें नया और भारत का भविष्य बनाना है, तो उसी उसी नए भारत की रचना में तुम्हें अपना सर्वस्व बलिदान करना, सर्वस्व लगा देना है, और तुम इतने वास्तविक बनो, तुम इतने सच्चे बनो कि जितना स्वयं सृजन है, सृजन कौन है, जितना स्वयं ब्रह्मा का सृजन हुआ करता है, ब्रह्मा जिस तरह सृष्टि को सही बनाते हैं, ठीक वैसे ही सच्चे और अच्छे व्यक्ति तुमको भविष्य में बनना है, कवि ऐसा यहाँ पर कहते हैं। हमें उन्नति के पथ पर और आगे देखिए बढ़ने के लिए यहाँ पर हमने चित्र को उकेरा है, मीन्स हमें अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करना है, हमें समाज में बहुत सारा नाम कमाना है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करना है, हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना है, हमें मानवता का जो धर्म है उसके बारे में सोचना है, हमें पूरे समाज को एक करके आगे बढ़ाना है, ये हमारी सोच होना चाहिए। आगे कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में वनो की जितना परिवर्तन है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमको अतीत से कुछ अच्छी चीजें लेना चाहिए, वो अच्छी चीजें जिससे कि हम हमारा पोषण हो जाए या हम जो है अपने आप को उन्नत कर पाए। अतीत में कई सारी बुरी चीजें भी रही हैं, कुछ कई सारी अच्छी चीजें भी रही हैं, हमें उनसे अच्छी चीजें हैं, अच्छे जो विचार हैं उनको हमको लेना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है, यदि हम जीर्ण शीर्ण चीजों को ले लेंगे, ऐसी चीजें जो कि वो उपयोगी नहीं है, तो हम अपना विनाश खुद ही कर लेंगे, इसलिए हमको ऐसी चीजें लेना है जो कि हमारी उन्नति को कर सकें, हमारे लिए उन्नति के पथ पर लेके जा सकें। और कवि क्या कहते हैं, कवि यहाँ पर कहते हैं, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरे बंधनों को तोड़ दीजिए आप और अपने चिंतन को आगे बढ़ाइए, अपने अपने आप में चिंतन करिए कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किस तरह से बहुत अच्छा काम अपने जीवन में कर सकता हूँ, और ऐसा सोचते हुए हम जीवन के सत्य को की ओर बढ़ते चलें, हम उसमें रुके नहीं नहीं, और धारा के शाश्वत प्रवाह, और जिस प्रकार नदी की धारा जो बहती रहती है और बहती रहती है और वो हमेशा परिवर्तन परिवर्तित होती रहती है, ठीक वैसे ही हम हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाए और हम जीवन में सफलता प्राप्त कर लें, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, हम इतने गतिमान बने जितना खुद परिवर्तन है, ठीक है, मतलब हम समय के अनुसार ढल जाने वाले होना चाहिए, हम उसमें ऐसा ना हो कि हम उसमें समय में कहीं खो जाए, जैसा समय चल रहा है वैसा ही हमको परिवर्तित होना चाहिए, हमें रूढ़ियों को छोड़कर हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने जीवन को ऊपर उठकर उठाकर हमको उसको चलना है। देखिए हमें यहाँ पर
सफलता के लिए ऊंचे उठने के लिए हमारे हम कितने भी प्रयास करें, वो हमारे प्रयास जो है वो सफल तब होंगे जब हम पूर्ण ताकत के साथ पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। आगे कभी क्या कहते हैं, आगे कभी कहते हैं, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ में हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि धरती पर स्वर्ग आ जाए, सभी लोग सुख शांति के साथ में रह सकें, कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी कोई किसी के बारे में द्वेष की भावना पैदा किसी के अंदर ना हो, सभी खुश और समृद्ध लोग रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, यहाँ पर कवि ऐसा कहना चाहते हैं। और कवि क्या कहते हैं, अगर कहीं हो स्वर्ग, यदि कहीं पर स्वर्ग यदि है तो वो स्वर्ग यही इसी धरती पर होना चाहिए, हम यही धरती पर उस स्वर्ग को लेकर आएंगे, हम ऐसे प्रयास करें ताकि स्वर्ग खुद यहाँ पर आ जाए। और कवि कहते हैं कि सूरज चांद और चांदनी और तारे सब, मतलब सभी जो चीजें हैं हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ होकर आगे बढ़ रही, वो हमारा साथ देना चाहती हैं, और आपको भी अब जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में हमें सभी को साथ लाने के लिए, सभी लोगों को अच्छे अच्छी चीजें बताने के लिए हमको जो प्रयास करना है वो सब हमारे साथ में है। दो कुरूप को रूप सलोना, जो जो लोग कुरूप हैं, या हम ऐसा कह दें कि जो लोग गरीब हैं या जो लोग परेशान हैं, उनको हमको खुश करना है, उनके चेहरे पर हमको मुस्कान लाना है, और हम इतने इतने सभी के बीच में इतने अच्छे बन जाएं कि जितना आकर्षण, खुद आकर्षण, लोग हमारे आकर्षण के कारण आया करते हैं, हम खुद आकर्षण बन जाएं ताकि लोग हमारा सम्मान करें और हम सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएं। हम जब ऊंचे उच्च शिखर पर जब सफलता के पहुंचेंगे तो हम अपने जीवन में सभी को देख सकते हैं, सब हम पहचान सकते हैं कि कौन जो है वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, हमारे बारे में बुरा सोचता है, और हम समाज की कई सारी जो है उन्नति भी कर सकते हैं, हमारा हम अपने समाज का विकास भी आसानी से कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।